हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू अन अकेडमी। क्या पीजी 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुकी है फ्रॉम 1 जुलाई? आप कंसोर्टियम की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। क्लैप पीजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ अन अकेडमी क्लैप पीजी प्रियंका सिंह। From now onwards, only 5 months are left for your exam. So, आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आप अपने इन 5 months को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर बेटर फ्यूचर। सो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल। वॉट शुड बी द टाइम टेबल फॉर ऑल क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स जो भी इस बार 2024 में दिसंबर में अपियर होना चाहते हैं। सो इन 5 months में आप अपना टाइम टेबल किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, किन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है और किस तरह से आप इन 5 months को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो अपने एग्जाम में, अपने प्रिपरेशन में। तो टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहला आपका सिलेबस जो है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियरली पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट इज द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम, क्योंकि आपको अपना जो टाइम है वो इन सब्जेक्ट्स, इन सिलेबस, इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करनी है। पूरे सब्जेक्ट्स में, पूरे सिलेबस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है। यू कुड नॉट अफोर्ड टू यू नो, सिलेबस को आप छोड़ नहीं सकते हो। जब आपकी प्रिपरेशन ही 100% नहीं होगी तो आप अपना रिजल्ट 100% कैसे अज्यूम कर सकते हो। इसलिए कवर योर एंटायर सिलेबस और उन्हीं सिलेबस को टॉपिक वाइज आप अपना जो टाइम है वो डेडिकेट कर सकते हैं। अपने वीक एरियाज को रिकॉग्नाइज करिए। अजम्पशन करना एक रिस्क है जिसे आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अज्यूम मत करिए कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है आपकी, ये चीज आपका स्ट्रांग है, ये चीज आपका वीक है, ये पोर्शन। आप अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर, आपके पास सिलेबस है, आपके पास बुक्स है, आप उनको खोलो, देखो, उसके बाद अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ आप आइडेंटिफाई करिए। अजम्पशन मत करिए। सब्जेक्ट्स, सिलेबस, टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो उसको इनिशियल स्टेज पर ही आपको क्लियर अप कर लेना है। डाउटफुल माइंड के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट नोट्स बनाने पर फोकस करना है, किस तरह से शॉर्ट नोट बनाया जाता है, ये सब चीजें हमने इस चैनल पर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन चीजों को देख कर भी इन शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उनको फॉलो करके अपने जो भी स्टडी करी है उनका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए। अपडेटेड रहना है, जितने भी रीसेंट के अमेंडमेंट्स है, रीसेंट के लॉज है, लेजिस्लेशन है, बिल्स है, उन सबसे आपको अपडेटेड रहना है। एंड एट द एंड रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। तो जब आप अपना टाइम टेबल फ्रेम कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज पर आप ये सब चीजें अपने माइंड में रखोगे, अपना सिलेबस, अपने टॉपिक्स, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपका शॉर्ट नोट्स और कितना टाइम आपको जो है करेंट अफेयर्स, जो रीसेंट के जजमेंट्स हैं, रीसेंट के अमेंडमेंट्स हैं, उन पर आपको कितना कितना टाइम डिवोट करना है। तो लेट्स बिगिन। वी नो दैट क्लैट का जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट होता है, नो डाउट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन इट डजंट मीन कि आपको 24/7 पढ़ना है। यू नीड टू गेट रिलैक्स्ड, यू नीड टू टेक ब्रेक्स आल्सो। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाओ कि इसमें आपको रिलैक्सेशन का भी टाइम मिले, आपको ब्रेक लेने का भी टाइम मिले, यानी कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है आपको उस पर भी ध्यान देनी है। 24 घंटे रट्टा मार स्टडी आपने नहीं करनी है। ओके, क्लियर। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हाउ टू स्टार्ट योर डे। इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ लोग जो अर्ली बर्ड्स होते हैं उन्हें सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, वो सुबह उठ के पढ़ते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि नाइट आउल होते हैं, जिन्हें रात में जिनकी पढ़ाई अच्छी होती है और वो सुबह लेट तक सोते हैं। डजंट मैटर एट ऑल, दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर सही है और आपको जो आपका रूटीन है, आपका जो भी वर्क शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो टाइम है वो सेट कर सकते हो। वेकअप का जरूरी नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे ही उठना है। जैसे भी आपका टाइम शेड्यूल चल रहा है आप उठते तो हो सुबह, इट कैन बी 4 AM और इट कैन बी 10 AM, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिन कब शुरू हो रहा है हम उसके हिसाब से अपना जो टाइम टेबल है वो प्रिपेयर करेंगे कि दिन शुरू होने के बाद से आपने क्या क्या चीजें, किस तरह से अपना जो टाइम टेबल है इन 5 months में वो प्रिपेयर करना है। तो आप अपनी जो भी नीड है, जो भी आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इस रूटीन को अपने डेली शेड्यूल में ऐड कर सकते हो। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज जब भी आपका दिन स्टार्ट हो रहा है, आदर एट 4 AM और 10 AM, डजंट मैटर,
स्टार्ट समथिंग न्यू। आपको सुबह के टाइम पर उठने के बाद कोई ऐसी चीज सबसे पहले स्टार्ट करनी है जो कि आपको डिफिकल्ट लग रही है, ओके? जो आपका जो एरियाज आपके वीक हैं, जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है, तो सबसे पहले दिन की शुरुआत आपको उसी चीज से करनी है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप सुबह उठ रहे हो सबसे फर्स्ट थिंग, तो आपका माइंड उस टाइम काफी हल्का होता है, इट्स वेरी लाइट। तो उस टाइम पर आप जो भी चीजें पढ़ोगे ना, तो माइंड को वो चीजें जल्दी समझ में आती है। तो इट इज बेटर कि जब आप 4 बजे 5 बजे मॉर्निंग में उठ रहे हो, आप अपना जो भी डेली रिचुअल्स है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, व्हाटएवर, आप वो सब कर लो। उसके बाद जब आप पढ़ना बैठ रहे हो, पढ़ाई अपनी शुरू कर रहे हो, सबसे पहले आप टफ चीजों को लेकर के बैठो, रीड करिए उसको। इनिशियल स्टेज पे हो सकता है उस टाइम भी आपको चीजें नहीं समझ आ रही हो, कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने उसको थोड़ी देर पढ़ना, एक बार रीड आउट कर लेना है, बंद करना है, फिर अपने आगे दूसरी स्टडीज कर लेनी। यही चीज अगर आप 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू करोगे ना, तो एक दिन नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, दूसरे दिन नहीं समझ में आ रहा है, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें समझ में भी आने लगेगी और आपको याद भी होने लगेगी। तो ये एक बहुत ही गोल्डन रूल है, फर्स्ट जो अपना डे है, जो अपनी स्टडी है, वो स्टार्ट करने का। ओके, तो टाइम टेबल जब भी आप बना रहे हो, तो आप उसी अकॉर्डिंग बनाओ कि जो फर्स्ट थिंग है, जब आप पूरे दिन में जब से पहली पढ़ाई जब आप करने बैठ रहे हो, तो आप किसी टफ चीज को लेकर बैठो। उस टाइम आपका माइंड कंप्लीटली फ्रेश है, बिल्कुल कोरा कागज है, तो ऐसे में आप जो भी उसमें अपने माइंड में चीजें लिखोगे, वो एज इट इज उसमें छपती जाएगी। तो आपको मेमोराइज करने में इनिशियल स्टेज में, शुरू में ये चीजें काफी हेल्प करती है। तो स्टार्ट योर डे विद समथिंग न्यू। अपने सिलेबस को अच्छे से पहले तो आप समझ लो, सिलेबस को कंप्लीटली जानना जरूरी है, क्योंकि अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी है। आपको अपना जो टाइम है, वो डेडिकेशन जो है, वो सही चीजों पर लगाना है। तो सिलेबस को कंप्लीटली सॉर्ट आउट कर लीजिए, और अपने रिसोर्सेज पर भी ध्यान दीजिए कि एक्चुअली आपको सिलेबस में जो पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है। अब वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स है, ट्यूशंस है, कोचिंग है, ये वो, कहीं से भी आप हर जगह से अगर रिसोर्सेज कलेक्ट करते रहोगे, तो आप स्टडी कब करोगे? और ज्यादा रिसोर्सेज होने से ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आप 3 जगह से अलग अलग रिसोर्सेज उठाने से अच्छा है कि आपको एक जगह पर फोकस करो, यहाँ से सारे मटेरियल्स रिसोर्सेज उठाओ और इसको 3 बार रिवाइज कर लो, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू कि आप 10 जगह से 10 टाइप के रिसोर्सेज उठाओ। तो अपने रिसोर्सेज को पहले ही आपने सॉर्ट आउट कर लेना है, रेस्ट्रिक्टेड कर लेना है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए ही पढ़ाई करनी है, इससे ज्यादा रिसोर्सेज मैंने कलेक्ट नहीं करने हैं। ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करना आपको एग्जाम में बेनिफिट नहीं देगा, वो बेनिफिट होगा जो आपके माइंड में रिसोर्सेज रहेंगे, और ज्यादा कचरा भर के कोई फायदा नहीं है। सिलेक्टिव चीजें रखें, लेकिन वो सिलेबस के अकॉर्डिंग रखें, टू द पॉइंट रखें, वही आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगे इन योर एग्जाम। नाउ कमिंग टू द सिलेबस, मैं आज के वीडियो में जो टाइम टेबल है, वो सिर्फ बिजनेस लॉ से रिलेटेड चीजों पर ही बात करूंगी कि बिजनेस लॉ में जो आपका सिलेबस है, आप उनको इन 5 मंथ्स में किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हमने कहा नो द सिलेबस, तो बिजनेस लॉ में कैटेगरी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आता है सबसे पहला लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड इज कंपनी लॉ। ये दोनों 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफ बिजनेस लॉ। ये जो पूरा बिजनेस लॉ है ना, वो इन्हीं 2 टॉपिक पर, बेसिकली ग्राउंड लेवल पर इन्हीं 2 टॉपिक्स पर टिका है, और जो क्वेश्चन है वो मोस्टली, नॉट कम्प्लीटली, मोस्टली इन्हीं 2 टॉपिक से, इन्हीं 2 लेजिस्लेशन से पूछे जाते हैं इन बिजनेस लॉ। साथ ही साथ ये सारे एक्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इनमें से ऐसा नहीं कि इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, माइनर सब्जेक्ट्स है, लेकिन फिर भी इनमें से 8 से 10 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ओके, क्योंकि बिजनेस लॉ आपका 30% का वेटेज कवर करता है, तो 10 क्वेश्चन इसमें से हो गए, 8-10 कॉन्ट्रैक्ट से हो गए, और सिमिलरली 8-10 आप कंपनी लॉ से मान लो। ओके, सो बिजनेस लॉ से सभी एप से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट द मेजर एरियाज है। आप सिंपली देख लो सिलेबस को इस तरह से, अगर आप सिर्फ एक एप्ट कंप्लीटली पढ़ लेते हो, तो आपके 10 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। कंपनी लॉ सिर्फ एक लॉ अगर आप कंप्लीटली पढ़ लेते हो, तो इसमें भी आपके 10 से 12 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाते हैं। बाकी आप 8 एक्ट को पढ़ोगे, तब आपके 8 से 10 मार्क्स आएंगे, लेकिन आएंगे ना, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे, आप इन्हें छोड़ तो नहीं सकते कि इसमें से तो सारा पढ़ोगे, तो 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हें स्किप करके हम सिर्फ इन 2 पर फोकस करें, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आपके 10 क्वेश्चन जो है बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, तो ये अगर आप मिस आउट कर दोगे, तो आप टॉप की रैंकिंग में नहीं पहुंच पाओगे। सो इन्हें डिटेल पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कंपनी लॉज को, बाकी के एक्ट
की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो कमिंग टू द टाइम टेबल, अभी चल रहा है हमारा जुलाई मंथ, ओके। तो हम इस तरह से अपने टाइम टेबल को डिवाइड करेंगे। सी, अब आप बच्चे तो होनी कि आपको आर वाइज टाइम टेबल आपको बनाना है कि आप 6 बजे उठोगे, फिर 6 से 7 यू विल हैव द ब्रेकफास्ट, बाथ टाइम एंड ऑल, देन आप 8 से 10 बजे तक पढ़ने बैठोगे, नहीं वर्क करेगा। ट्रस्ट मी, ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आप बच्चे नहीं रह गए और भी। आपको जो टाइम टेबल बनाना है वो बनाना है टॉपिक वाइज कि आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है। आपको कंप्लीटली बनाना है कि मुझे दिन भर में 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं। अब वो 5 से 6 घंटे आप कब निकाल रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कन्वीनियंस, अपनी मूड, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप 5 से 6 घंटे निकालो। सुबह में पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड चीज जो आपने फोकस करनी है कि आपने जो सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाना है कि जुलाई के मंथ में मुझे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये दो एक्ट मुझे कवर करने हैं, और आपको कितना टाइम लगेगा। हो सकता है आपकी ये पढ़ाई 1 घंटे में हो जाए, कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, आप पढ़ने बैठे हो, आपका मन लग रहा है, कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो रहा है उस टाइम पे, तो आप 1 घंटे में ही देख रहे हो कि 10 सेक्शन 20 सेक्शन आपने कवर कर लिए। फिर हो सकता है कि कभी आपका कंसंट्रेशन पावर नहीं लग रहा है, तो आप 2 घंटे बैठ रहे हो, फिर भी आपके सिर्फ 5 सेक्शन कवर हो रहे हैं। तो इज इट वर्थ, आप घंटा देखोगे या आप अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो आउटकम है, उस पर ध्यान दोगे? तो आप कहोगे कि मैम मैं तो 2-2 घंटा एक एक सब्जेक्ट पर दिया, फिर भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो चीज नहीं करनी है, सिलेबस पर ध्यान देना है, आउटकम पर ध्यान देना है कि आप 5 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो 5 घंटे में आप कंप्लीट कितना कर रहे हो, है ना, कि आपके जो सिलेबस जिस तरह से आप कवर करोगे वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा। ये 10 घंटे की पढ़ाई आपको हेल्प नहीं करेगी, 10 घंटे में आपने जो पढ़ा है दैट इज गोइंग टू हेल्प। तो जुलाई के मंथ में आप अपना टाइम टेबल कुछ इस तरह से फ्रेम करें कि आप इस मंथ में 2 एक्ट्स को कवर कर जाएं। लीगल अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो आपको रेगुलर हर मंथ अपडेटेड रहनी है कि कहीं कोई न्यू अमेंडमेंट तो नहीं आए, न्यू कोई लैंडमार्क जजमेंट तो नहीं आ गया, रिसेंट के जो भी जजमेंट्स हो रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट, आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो उस चीज को आपको हर मंथ अपडेटेड रहना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जुलाई का मंथ का टाइम टेबल। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक मेजर एरिया है, एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट है, मेजर एक्ट है जिसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, इसलिए साथ में एक माइनर सा एक्ट आप ले लो, सो दैट आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो और आपके माइनर एक्ट भी साथ साथ कवर होते जाए। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ मेजर एक्ट पर ही ध्यान दो और माइनर एक्ट आपसे छूट जाए। इसलिए एक हैवी टॉपिक लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना है, साथ ही एक माइनर एक्ट को आप अपने साथ रख लो कि इसे भी हम साथ साथ में रीड आउट करते जाएंगे, सो दैट हमारा एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आपके वन मंथ में 100% क्लियर कंप्लीट हो जाए। सेकेंडली, जब आप पढ़ रहे हो तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि आप सिर्फ मेजर जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान नहीं दो, बिकॉज वी नो केस लॉज आर इम्पोर्टेंट, तो आपको दोनों ही चीजों पर ध्यान देना है। एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी बेयर एक्ट्स पर आपको फोकस करना है कि कौन से प्रोविजन, कौन से सेक्शन में बताए गए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके सेक्शन क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप आओ केस लॉज पर। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई एक चीज पढ़ते हो और एक चीज मिस आउट कर जाते हो, या सिर्फ केस लॉ पढ़ रहे हो और कॉन्सेप्ट और बेयर एक्ट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहेगी, तो आपके मार्क्स भी अधूरे आएंगे, इनकम्प्लीट आएंगे। 50% प्रिपरेशन है तो 30% मार्क्स आएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जो मेजर एक्ट है एटलीस्ट, उन्हें जब आप पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बेयर एक्ट्स से रिलेटेड उसके सेक्शंस को पढ़ना है और उसके केस लॉज को भी पढ़ना है। तो एक चीज को जब आप पढ़ रहे हो तो उसको कंप्लीट पढ़ो, उसमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू द मंथ ऑफ अगस्त, नेक्स्ट मंथ में आपको सेकंड एक जो मेजर लॉ है वो उठाना है, वो पिक करना है, दैट इज द कंपनी लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो है कंपनी लॉ। सो कंपनी लॉ मेजर एक्ट आप स्टार्ट करोगे, साथ ही आप थोड़े थोड़े से माइनर एक्ट ले लो, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसलिए अगर सिमिलर टाइप के एक्ट्स आप साथ में पढ़ोगे तो आपको कंपैरिजन करके पढ़ने में भी इजी होगा, चीजें समझ में आने लगेगी साथ साथ, और इन चीजों को याद रखने में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप जो माइनर एक्ट्स उठा रहे हो, माइनर एक्ट पिक कर रहे हो इस मेजर एक्ट के साथ पढ़ने के लिए, वो इससे रिलेटेड हो। जैसे हमने ये जुलाई के मंथ में देखा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, पहले तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था, उसके बाद इसे सेपरेट एक्ट बना दिया गया, तो ये इससे रिलेटेड ही प्रोविजन आपको सेल ऑफ गुड्स में मिलेंगे। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है,
रिलेटेड है तो आपको समझने में भी इजी होएगा और आपको याद भी अच्छे से रहेगी ये चीजें। सिमिलरली कंपनी लॉ के टाइम पे अगस्त के मंथ में भी हम सेम काम करेंगे। एक जो हमारा मेजर ऐप है कंपनी लॉ, उसे उठाएंगे, उसे पिक करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ दो माइनर एक्ट्स को भी हम साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि माइंडेड माइनर एक्ट्स हमें बिल्कुल छोड़ने नहीं है। एक पैसेज है उससे सपोज यू नो 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन में सपोज आपका कंपनी लॉ का आ गया, बाकी के 5 आपके लिमिटेड और पार्टनरशिप से भी हो सकते हैं। तो आपका 50% ही प्रिपरेशन होगी ना, 50% ही आप आंसर कर पाओगे अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो, अच्छे से पढ़ा है तो। और सपोज उसमें भी 5 में से भी आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो यू नो आपको याद नहीं आ रहा है या फिर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसमें 3 ही मान लो, और ये 5 अगर आप कंप्लीट छोड़ के जाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि एक्ट्स माइनर है, ज्यादा पढ़ेंगे माइनर एक्ट्स को और उसमें से कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी यू विल हैव टू कवर इट। तो हम इसे बैलेंस करते हुए पढ़ेंगे, मेजर एक्ट्स के साथ माइनर एक्ट्स को साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि हमारा टाइम फ्रेम पर ही जो सिलेबस है वो 100% हम कवर कर ले। थर्ड हम आते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के महीने में हमें क्या करना है, जो भी माइनर एक्ट और बच गए हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके एग्जाम पर्पस से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो इन एक्ट्स को जो माइनर एक्ट्स रह गए हैं उन्हें हम सितंबर के मंथ में कवर करें। तो सबसे पहले हम उन चीजों को कवर करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद धीरे धीरे माइनर एक्ट तक हम आगे पहुंचेंगे, उनके केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट्स, रिसेंट के जजमेंट्स, रिसेंट के अमेंडमेंट्स, इन सबको हम साथ ही साथ में कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर के मंथ में आपको फोकस करना है जजमेंट्स पर, जितने भी जजमेंट्स है केस लॉज हैं उन पर फोकस करना है और साथ ही साथ रिवीजन करना है। अब आ गया हमारा अक्टूबर का महीना, 3 दिसंबर को एग्जाम है, तो यानी अभी देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर सिर्फ 2 मंथ रह गए। तो हमने पहले भी जब टाइम टेबल बनाया था और इसमें हमने ये देखा कि रिवीजन और मॉक टेस्ट ये दोनों होते हैं हमारे की इंग्रेडिएंट्स। जनरली क्या होता है कि जब टाइम टेबल बनता है तो स्टूडेंट्स और या फिर ये प्रेफर करते हैं कि सीधे हम मॉक टेस्ट करना शुरू करते हैं, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले प्रिपरेशन तो करो, पहले पढ़ाई तो करो, तब तो आप मॉक टेस्ट लोगे। मॉक टेस्ट में आपको पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप बिगनिंग के स्टेज पर ही मॉक टेस्ट लेकर बैठ जाओगे तो उस टाइम आपको क्या ही चीजें समझ में आएंगी, आप अपनी परफॉर्मेंस को उतनी अच्छी तरीके से एनालाइज भी नहीं कर पाओगे। सो इट इज बेटर कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पर जाओ, ठीक है। सो रिवीजन करना है अक्टूबर के महीने में कंप्लीट, क्योंकि जितना ज्यादा अब आपने पढ़ाई कर ली सितंबर तक, जो भी नया पढ़ना था, जो भी रिसोर्सेस न्यू ऐड करने थे, मेक श्योर कि आप सितंबर तक अपने सभी रिसोर्सेस को स्टॉप कर दो, कि अब बस सितंबर के बाद अपने नॉलेज में, अपने रिसोर्सेस में, अपने नोट्स के कलेक्शन में कुछ भी न्यू एड ऑन नहीं करना है। रिसेंट के जो भी जजमेंट्स हैं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही वो बिल्कुल रिसेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज आपको सितंबर से पहले तक के ही जो भी अमेंडमेंट लॉज है वो ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कल जो कुछ नया आया और वो आपके पेपर में आज आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सितंबर तक आपने अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल प्रिसाइज कर लेना है कि हाँ अब हो गया, अब इसमें मुझे कुछ न्यू एड ऑन नहीं करना है। तो अक्टूबर के मंथ में आपको कंप्लीट टाइम डिवोट करना है रिवीजन पर और केस लॉज पर, ओके, फुल 1 मंथ, क्योंकि जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को जजमेंट्स पर अप्लाई कर पाओगे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आप तभी शो कर पाओगे। इसलिए जजमेंट एंड के टाइम पर पढ़ना ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस टाइम पर अक्टूबर के मंथ तक आपका ऑलमोस्ट सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। तो जजमेंट्स को अगर अब आप फाइनल स्टेज पर प्रिपेयर करते हो तो 2 चीजें होंगी, पहला तो ये फ्रेश आप पढ़ रहे हो तो आपको चीजें याद रहेगी, सेकेंडली आपने कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, जान लिया है, समझ लिया, तो अब आप उन कॉन्सेप्ट्स को इन जजमेंट्स पर अप्लाई कर पाओगे, है ना। इसलिए अक्टूबर का मंथ आपको कंप्लीटली डिवोट करना चाहिए फॉर केस लॉज एंड फॉर रिवीजन। तो अब नवंबर के मंथ में क्या करेंगे, नवंबर में हम करेंगे मॉक टेस्ट। प्रिपरेशन हो गई, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन करते करते आपने मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। नवंबर में 1 मंथ अगर आप कंप्लीट
मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम का, तो आप इस वन मंथ में क्वेश्चन पेपर से कंप्लीटली फैमिलियर हो जाओगे, प्रैक्टिस स्पीड बढ़ेगी। ये लास्ट के मोमेंट पे तो आपको पढ़ाई होगी, तो आपको यही चीज चाहिए ना कि आप उस 120 मिनट्स में एग्जामिनर को कैसे बताओगे कि आपने 5 मंथ्स 4 मंथ्स में क्या क्या पढ़ा है ना। तो ये चीज आप अचीव कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लास्ट के टाइम पर रिविजन और प्रैक्टिस करोगे, अल्टीमेटली दिस विल हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम, इन योर अल्टीमेट एग्जाम। तो बेसिक ये हो गया टॉपिक वाइज, मंथ वाइज कि कौन से मंथ में आपने कौन सा एक्ट, कौन सा लेजिस्लेशन कंप्लीट करना है। बेसिक ओवरव्यू की बात करें तो आपको दिन के कॉन्स्टिट्यूशन, वी नो दैट इट इज अ मेजर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आपको दिन में एटलीस्ट 2-3 घंटे कॉन्स्टिट्यूशन को देने हैं, और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, इन सब में 3-4 घंटे देने हैं, और 2 घंटे पर डे देने हैं फॉर द मॉक टेस्ट। यानी ओवरऑल 8-9 घंटे का टाइम आपको देना है फॉर योर क्लैट पीजी स्टडी एवरी डे। इस तरह से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो कि 2-3 घंटे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, 3-4 घंटे में 1-2 घंटे आपने बिजनेस लॉ पढ़ा, 1-2 घंटे क्रिमिनल लॉ टॉट वगैरह पढ़ लिए, और फिर एंड में आपने मॉक टेस्ट दिया। 2 मॉक टेस्ट आप रूटीन सेट कर लेना है कि 2 मॉक टेस्ट एवरी डे देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट देने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन मार्क टिक करना नहीं होता है। मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो, इट मीन्स कि आप उसमें एनालाइज कर रहे हो अपने परफॉर्मेंस को। सिर्फ एग्जाम दे दिया इससे तो नहीं, आप एनालाइज तो करो कि आपने कितना टाइम किस टॉपिक पर दिया है, कितनी एक्यूरेसी रेट क्या है। तो ये सब चीजें मॉक टेस्ट को जितने ज्यादा से ज्यादा आप दोगे, फिर अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, उसके बाद जो जो उसमें आपकी कमियां रह गई, जो जो मिस्टेक्स आपने किए हैं, माइनर मिस्टेक्स या फिर मेजर मिस्टेक्स, उन पर फोकस करना है और उन पर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करनी है, और आगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट ओनली बिफोर ये 5 मंथ टाइम टेबल तो ठीक है, लेकिन इसी 5 मंथ के टाइम टेबल में आपको ये भी टाइम एडजस्ट कर लेना है, मैनेज कर लेना है कि आप एग्जाम में, पेपर में, फाइनल एग्जाम देते टाइम तब आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करो। मिस्टेक यही होती है कि ये जो 5 मंथ्स अभी बचे हैं एग्जाम के लिए, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में तो टाइम डिवोट कर लेते हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट को इतना देना है, जुलाई में ये पढ़ना है, जून में ये पढ़ना है, लास्ट का जो मंथ है नवंबर वाला, उसमें आपको ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट पर। जो टाइम मैनेजमेंट आप फाइनल एग्जाम में यूज करोगे, वो टाइम मैनेजमेंट जो आप एग्जाम हॉल में यूज करोगे, वो टाइम मैनेजमेंट आपको नवंबर के मंथ में मॉक टेस्ट देते देते प्रिपेयर कर लेनी है। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मेक श्योर कि ये आपका फाइनल पेपर है। आप हर पेपर, हर मॉक टेस्ट ऐसे ही दोगे कि जैसे यही आपका क्वेश्चन पेपर है एग्जाम में आया। तो आपने क्या करना है, सेक्शन वाइज टाइम अलॉट करना है, आपको डिवाइड कर लेना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाना है, क्योंकि ये चीजें आपको पता है, ठीक है। अगर फिर आप टॉपिक नेक्स्ट देख रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है, तो आपको उसमें भी टाइम डिवाइड कर लेना है कि 120 मिनट्स में मुझे 10 मिनट देने हैं इसमें, 10 मिनट इसमें देने हैं। इस तरह से आप टॉपिक वाइज जो है, जो माइनर एक्ट्स है फिर उन पर आपको कम फोकस करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप 10 क्वेश्चन उसके आएंगे, तो उस अकॉर्डिंग जो आप अपना टाइम है वो सेक्शन वाइज अलॉट कर सकते हैं। सेकेंड चीज इज वॉट टू अटेम्प्ट, क्योंकि वी नो दैट देयर इज नेगेटिव मार्किंग, तो क्या चीजें आपको अटेम्प्ट करनी है, इस पर भी जब आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो उस टाइम आपको डिसाइड कर लेना है कि क्या आपको अटेम्प्ट करना है और क्या आपने चीजें छोड़नी है। नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्क नहीं लेना है, लेकिन यू कैन टेक द कैलकुलेटिव रिस्क, और एजुकेटेड गेस आप कर सकते हो, आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है, जय माता दी करके एजुकेटेड गेस करना, और आपको रिस्क कैलकुलेट करना है कि क्या जो आप रिस्क ले रहे हो वो सुटेबल है, मतलब देयर आर चांसेस कि आपका ये आंसर करेक्ट हो। जब आप 80% श्योर हो तभी आप इस रिस्क पर जाएं, अदरवाइज इट्स बेटर टू लीव द क्वेश्चन। वरना क्या होगा कि आप अगर आपने ज्यादा आंसर्स जो है रॉन्ग कर दिए, तो आपने जो आंसर्स करेक्ट किए हैं ऑब्वियसली उसमें से मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग है, तो वो मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो वो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है, ट्राई करें कि बहुत कम ही नेगेटिव मार्किंग आपके आए। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, टॉपिक पढ़ के ये डिसाइड कर लेना है कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। इसमें अगर आ रहा है फिर तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उससे आपको डिसाइड कर लेना है कि क्या ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको उसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज है
आप उसमें एजुकेटेड गेस कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हो देन यू कैन टेक द रिस्क, अगर नहीं कर सकते तो इट इज बेटर टू लीव द प्रोफेशन। तो आपको ये चीज, और ऐसा नहीं कि ये सोचने में आप ज्यादा टाइम लगा दो, ये भी चीज नहीं करनी है ना, कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि करना है या छोड़ना है। तो यही होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट, जो आपको मॉक टेस्ट के दौरान अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि ये सब चीजों में आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, बिकॉज ऑलरेडी पैसेजेस लंबे लंबे हैं, उन्हें पढ़ना है, आंसर करना है, और आप सिर्फ बेकार का ये सोचने में टाइम लगा लोगे कि हमें अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, तो क्या मतलब, ये तो यूजलेस वाली बात होगी। तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, एजुकेटेड गेस करना है। तो ये चीजें कैसे आएगी, ये प्रैक्टिस पे आएगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दोगे जभी ना, एक दिन की प्रैक्टिस में थोड़ी होता है। प्रैक्टिस का मतलब आप कंप्लीटली अपना 1 month उसमें डिवोट कर दो प्रैक्टिस में। आप हर दिन 2 mock tests दे रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं इस बार मैंने क्या कर दिया, जो गेस था वो रॉन्ग कर दिया है ना, एजुकेटेड गेस नहीं लिया। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगी ना। पैसेज सॉल्विंग टेक्निक आपकी होनी चाहिए कि किस तरीके से आप पैसेजेस को पढ़ रहे हो, उनको सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि टाइम लिमिट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। तो अगर आपने एक पैसेज पढ़ा है, उसमें से आपको पहला वाला क्वेश्चन आ गया, आपने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन भी आ गया, यू डिड इट, थर्ड क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, आप उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट फोर्थ पे आओ, फोर्थ आपने सॉल्व किया, फाइव भी आपने सॉल्व कर लिया, वॉट अबाउट दिस 3-1। अब ऐसा नहीं है कि आपने इसको कर दिया तो अब आप नेक्स्ट पैसेज पे चले जाओ, नो। एक बार सारा एक पैसेज के सारे क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद आप फाइनल आ जाओ कि उस पैसेज में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन स्किप किए, फिर से पैसेज को पढ़े और इन क्वेश्चंस पर ध्यान दे कि क्या आप इनको गेस कर सकते हो या नहीं। अगर करना है तो अभी करना है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि आप इसको छोड़ दिए, किसको हम एंड में देखेंगे, फिर आप दूसरे पैसेज पे आ चले आए। तो ये तो टोटल जो फिर से आपको जब वापस से क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके इस पहले वाले पैसेज पर आओगे तो आपको वो पैसेज वापस से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अभी क्या है, आप जब एक पैसेज को पढ़ रहे हो, आपको भी पैसेज के बारे में सारी डिटेल्स पता चल चुकी है, आपको पता है पैसेज किस बारे में है, किन टॉपिक्स पर फोकस कर रहा है। तो एक पैसेज के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर कि दोबारा आपको उस पैसेज को रीड करने की जरूरत ना पड़े। तो आप उसी टाइम पर डिसाइड कर लो कि उस पैसेज के जो भी 7-8 क्वेश्चंस हैं, आपको उनमें से कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं और कौन से छोड़ देने हैं। छोड़ देना है तो छोड़ देना है, वापस आप नेक्स्ट पैसेज पर पढ़ो। बैक आकर के पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद बैक आकर के उस पैसेज को रीड करना और उसके बाद आंसर करना, इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पैसेज सॉल्विंग टेक्निक भी आपको बना लेनी है जब आप नवंबर के मंथ में अपना मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। So, ये टाइम मैनेजमेंट, आपको दोनों ही चीजों पर ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि 5 months का टाइम टेबल प्लस जो लास्ट का मंथ है नवंबर वाला, जिसमें आप रिवीजन और मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो इस दौरान आपको अपने एग्जाम हॉल में जो आप टाइम टेबल बनाओगे, एग्जाम हॉल में किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे, उसका भी एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल, एक पैटर्न, एक टेक्निक आपको इस मॉक टेस्ट के दौरान अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेनी है। ओके, तो दिस शुड बी द टाइम टेबल फॉर ऑल क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स। अगर आप इस अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई आप आज ऊपर नीचे कर सकते हो, आप सब्जेक्ट्स आगे पीछे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और लास्ट के 2 months आप रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए छोड़ो। सितंबर तक अपने रिसोर्सेज को 100% आप लिमिट कर दो, सितंबर के बाद अपने नॉलेज में कुछ भी न्यू एड ऑन नहीं करना है। सो लास्ट में हम आते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर जो आपको हेल्प करेंगी इन योर एग्जाम। टाइम टेबल आपको 100% बनाना ही बनाना है, आप आर्बिट्रेरीली कोई भी रूटीन नहीं फॉलो कर सकते हो। अब एक इट इज द नीड, अब बहुत टाइम नहीं रह गया है, ओनली 5 months आर लेफ्ट। तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें सक्सेस होना चाहते हो, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाओ, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाओ। डजंट मीन कि आपको 3 बजे 4 बजे सुबह उठना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना एक फिक्स टाइम टेबल जो है वो आप बना लो। रीडिंग हैबिट करिए, क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप रीड करोगे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और आप उतना ज्यादा ही क्वेश्चन पेपर के साथ फेमिलियर हो जाओगे। एग्जाम में फाइनल में जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऐसा आपको बिल्कुल न्यू नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 1 month टोटली डिवोट किया है सिर्फ मॉक टेस्ट पर। तो आप क्या होते हो, ऐसे में
क्वेश्चन पेपर के साथ काफी फेमिलियर हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं लग सकती है, बट ट्रस्ट मी दिस इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजों के साथ आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, तो इन चीजों को अपनी मेंटल हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। मेडिटेशन करिए, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फोकस नहीं कर पाते स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, नई नई चीजें पढ़ रहे, पुरानी चीजें भूलते जा रहे, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना पढ़ाई से रिलेटेड, ये मेडिटेशन से 100% दूर हो सकती है। ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। स्टार्ट करिए, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यू कैन इसको आप 20 मिनट तक इसको आप वो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। पढ़ाई करने से पहले जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, 20 मिनट उसके पहले मेडिटेट कर लिया, ध्यान लगा लिया, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो जो पढ़ाई, जो चीज आपको 2 घंटे में याद होती है, वो मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन से 1 घंटे में याद हो जाएगी। सी कितना बेनिफिट हो रहा है आपको। तो मेडिटेशन और मेंटल हेल्थ, इस पर भी आपको फोकस करना है। एनी टाइम स्ट्रेस में, एंजाइटी में नहीं रहना है कि पता नहीं कैसे होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा बात की बात है। आप अपना पार्ट तो करो, आपका जो कर्मा है आप वो तो करो, आप तो अपना सिलेबस तो कंप्लीट करो, प्रिपरेशन तो करो, प्रैक्टिस तो करो, होगा नहीं होगा ये तो डिपेंड्स। तो मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है, मेडिटेशन करना है, तभी आप अपनी प्रिपरेशन पे अपना 100% आप तभी दे पाओ। फॉलो अ मेंटर, एक बहुत ही गोल्डन रूल है कि आपको अपने लाइफ में कोई मेंटोर चाहिए। महाभारत में अर्जुन को भी एक मेंटोर की जरूरत थी, श्री कृष्ण। जब ऑप्शन आया चूज करने का, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना विदाउट एनी शस्त्र अस्त्र। अर्जुन का ये मानना था कि ज्ञान तो मेरे पास भी है, धनुष तीर धनुष कैसे चलाना है ये टेक्निक मुझे पता है, लेकिन कब कहां कैसे चलाना है, जो स्ट्रेटेजी है, ये श्री कृष्ण एक मेंटोर वो ही बता पाए। सो इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को चुना बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, कि अस्त्र शस्त्र बात की बात है, मैं मेंटोर मुझे चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो मुझे स्ट्रेटेजी बताए सही तरीके, कब किस बाण को यूज करना है, तभी तो वो बाण जो है तीर जो है वो निशाने पे लगेगा। तो ये स्ट्रेटेजी बताने वाला कोई एक मेंटोर, एक गुरु आपकी लाइफ में होना चाहिए। इट कैन बी एनीवन, कोई भी एक पर्सन जो आपसे नॉलेज में ऊपर है, जिसने ये सब चीजें ऑलरेडी फेस कर रखी है, जिन्हें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है, जिन्हें इसके बारे में आपसे ज्यादा नॉलेज है, इट कैन बी एनीवन। तो आप उन्हें अपना एक मेंटोर बना लो और उनके गाइडेंस, उनके स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो आगे करो। मेंटोर 100% आपकी पूरे प्रिपरेशन में श्री कृष्ण के अर्जुन की तरह, अर्जुन के श्री कृष्ण की तरह काम करेगा और आपको बिल्कुल सटीक रास्ता बताएगा, सक्सेस होने के सही रास्ते पर आपको ले जाएगा। मेंटोर के लिए आप अनअकैडमी पे अचीवर्स बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ये टी सिंक कोड को यूज कर सकते हैं आप। 6 जुलाई से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हुई है, जिसमें मैं प्रियंका सिंह आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस लॉ। इसके अलावा दूसरे भी मेंटोर्स हैं, अनुजा मैम है, मंजरी मैम है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉस की तैयारी करवाएंगी। ये बैच 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। मैं प्रियंका सिंह आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस लॉ। मेरी क्लासेस होती है एवरी डे, दैट इज मंडे टू सैटरडे 9:30 AM। ओके, आप अगर डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो स्पेशल फ्री क्लासेस भी अरेंज होती है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 9:30 AM पर। तो आप इन डेमो क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो फ्री में, जस्ट यूज द कोड TSING10। इस कोड को यूज करके आप बिजनेस लॉ के मेरी क्लासेस को मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 9:30 AM पर एक्सेस कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से जो मेंटर्स हैं हम क्लैट पीजी की तैयारी करवा रहे हैं और ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। अभी अनअकैडमी पे एक बहुत ही बिग ऑफर चल रहा है फॉर ऑल क्लैट पीजी सब्सक्राइबर्स। अगर आप 15 जुलाई से पहले अनअकैडमी पे क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू कैन सेव अप टू 20%, आपको 20% तक का ऑफ मिलता है। जस्ट यूज द कोड TSING10 टू ग्रैब द ऑफर। इसमें अगर आप 6 मंथ का प्लान लेते हो तो आपको 4,500 तक का डिस्काउंट मिल जाता है। 12 मंथ के प्लान में आप बचा सकते हो अप टू ₹6,000 एंड अगर आप 18 मंथ का प्लान लेते हो तो आप 7,000 तक की सेविंग्स कर सकते हो। तो डू एनरोल फॉर द कोर्स बिफोर 15th जुलाई। इस कोर्स में आपको मिलेंगे बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगी, स्ट्रक्चर क्लास होगा और आपको हर क्लास का PDF भी अवेलेबल होता रहेगा। तो 15th जुलाई से पहले अनअकैडमी पे क्लैट पीजी की सब्सक्रिप्शन जरूर ले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।